गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेजेंडरी यूनिवर्स में। मैं हूं आपका दोस्त यश। सो ये गाइस, फाइनली मुझे मिल चुका है सुपर सिंबल एवोल्यूशन वेजिटा। कुछ दिन पहले ही मिल गया था, बट शोकेस करने में टाइम लग गया। एक्चुअली एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है, सो थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, बट कोई नहीं, जो है वो है। और इसको ना बस मैं 2 स्टार पर ही कर पाया है। इसकी जो 2 स्टार वाली जो दी एबिलिटी, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये यूनिवर्स सर्वाइवल सागा बफ देती है, गॉड की को भी काफ़ी ख़तरनाक वाला बफ देती है। जैसे देख सकते हो 28% यूनिवर्स सर्वाइवल सागा और गॉड की को ब्लास्ट अटैक और स्ट्राइक डिफेंस, तो ये बहुत बढ़िया है। बट यार मैं से कर नहीं सका, 2 स्टार पर ये आ गया। बट कोई नहीं, ये बफ तो नहीं दे रहा इन लोगों को, बट हाँ ये काफ़ी, ये लोग इसे बफ दे रहे हैं, यानी कि जी एबिलिटी देख सकते हो। ये बीएस दे रहा है, वेजिटो दे रहा है, जमासू दे रहा है, गोकू दे रहा है, और एक रिवाइवल गोकू भी है। यहाँ पे मैं कोई भी बफ प्रोवाइड नहीं कर रहा, यानी जेंका है बफ्ड। सो हाँ, गॉड की टीम हम आज यूज़ करेंगे। और अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारे साथ है ये वाला इक्विपमेंट, हरी अप एंड डाई वाला, जो कि ये इक्विपमेंट जो है रेंज टाइप यूनिट्स को बफ देता है, ब्लास्ट अटैक, स्पेशल मूव डैमेज और की रिकवरी। और ये वाला जो है ब्लास्ट डिफेंस देता है, बेस की रिकवरी, स्पेशल मूव डैमेज, बेस स्ट्राइक अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इस वाले ये इक्विपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ब्लास्ट अटैक, स्पेशल मूव डैमेज एंड स्ट्राइक अटैक, तो ये भी अच्छा है। सो हाँ, अच्छा है और काफ़ी अच्छा सेटअप है। बट गोकू के लिए थोड़ा सा है रिवाइवल गोकू, मुझे थोड़ा सा इसके स्टार्स बढ़ाने हैं, सो स्टार्स तो बढ़ाने ही है। एंड या सो हाँ, यही है सब कुछ। तो चलते हैं हमें पीवीपी की तरह, लेकिन पीवीपी में और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करो, उसके ऑल के बटन को सिलेक्ट करो और लाइक करो वीडियो को और शेयर करो वीडियो को एज मच एज यू कैन। सो बिना किसी तरीके कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो गाइस, हमारे सामने है सन फैमिली टीम। एंड या इसमें रिवाइवल गोहान और एक फ्यूचर गोहान है एलएफ वाला। सो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टीम है, तो मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। मेरे पास तो 3 एलएफ्स है और इसके पास 5, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता कि कितने एलएफ्स है तुम्हारे पास, बस ताकतवर कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्टार्स थोड़े से बड़े अच्छे होने चाहिए। सो मैं जाऊँगा उसके पास, रिवाइवल है तो मुझे भी रिवाइवल के साथ जाने चाहिए। मैं गोकू के साथ जाऊँगा सबसे पहले, बीरस के साथ, क्योंकि बीरस टैंकी बहुत अच्छा देता है, टैंकीनेस बहुत ही बढ़िया टैंकी यूनिट है। सो ये काफ़ी अच्छा है मेरी गॉड की टीम के लिए। मैंने वेडोस को नहीं रखा, वेडोस के स्टार्स काफ़ी ज़्यादा लो है, इसलिए ओके। तो बीरस, सॉरी सर, बीरस नहीं गोकू, एलएफ गोकू सुपर सैयन 3, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैच को जीतने की जितना हो सके उतना। ओके, तो ग्रीन कार्ड इसने पॉप किया अपना, और मुझे लगा वो टैकल जाएगा इसने, मैं तो अपना स्ट्राइक लगा दिया, कोई बात नहीं, इसे बहुत बुरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, मैंने फिर अटैक किया और मैं वैसे कंटिन्यूसली अटैक डैमेज देता जाऊँगा। मैं अभी नहीं जाने वाला सुपर सिंबल एवोल्यूशन मीडिया के साथ, क्योंकि वो अगर मैं गया तो मैं जानता हूँ उसका क्या प्लानिंग है, इसलिए मैं नहीं जा रहा अभी। कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल गए। एंड हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसका जो स्पेशल मूव है, यानी कि इसका जो स्पेशल मूव कार्ड, वो कितना ना डैमेज देता है रेड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बढ़िया डैमेज है यार, मतलब कि एलएफ गोहान को इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया इसने, सही है। और मैं अपनी मेन एबिलिटी लगा के देखता हूँ क्या कर रहा है। एंड ओके, मेरे पास 2 ग्रीन कार्ड्स आ गए, मैं सोच रहा हूँ दोनों के दोनों वेजिटा को ही दे दूँ, बट वेजिटा को नहीं, ए मैं फॉरफेट व्हाट। ओके, मैं ये अच्छा है। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। गाइस, अभी तो मैच शुरू ही हुआ था और ख़त्म भी हो गया। ओके गाइस, ये काफ़ी बढ़िया मैच था, और आपने देखा कि एलिफ गोहान सुपर सैयन 2 को उसने इतना ज़्यादा डैमेज दिया, मतलब इसका नलिफिकेशन, यानी जो नलिफाई करता है एलिमेंट्स को, वो बहुत ही सही करता है। सो मैं तो कहूँगा ये यूनिट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी 2 और मैचेस खेलेंगे जिससे और ढंग से हमें समझ आ जाएगा, और आपको भी, कि
आपको इस पर समझ वैसे करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो समान वीडियो तो वैसे इसका जो समान है वो तो जा चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ ब्लैक फ्राइडे में शायद ये पक्का वापस आएगा, हो सकता है थर्ड एनिवर्सरी के यूनिट्स आए, सो हो सकता है कि ये वापस आ जाए। ये तो न्यू ईयर बैनर्स में तो पक्का आएगा, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी मेरी गारंटी के साथ ले लो, न्यू ईयर पे तो ये पक्का आएगा ज़रूर, और आएगा तो मैं इस पर ज़रूर उस बैनर पर समन करूँगा। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट मैच की तरफ, तो लेट्स गो। गाइस हमारे सामने है एक शायर सेंस टीम, क्योंकि ये कोई सुपर सेंस टीम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लेजेंड्स रोड वाला गोकू किड गोकू है, तो गोकू यूथ मैं प्रोनाउंसिंग कर पता था, सॉरी गाइस मेरे प्रोनाउंसिएशन को ज़रा इग्नोर करिएगा, बट हाँ इक्विपमेंट्स के जो है मुझे वो कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जाऊँगा इसके साथ, क्योंकि हम कोई रिवाइवल नहीं, तो मैं जाऊँगा गोकू के साथ, हम लोग गोकू के साथ एंड हाँ रेडी के साथ ऑलवेज, वेजिटा के साथ तो ऑलवेज, क्योंकि ये तो हमारा शोकेस यूनिट है। आज मैं इसलिए इसके ऊपर शोकेस वीडियो मैंने इसलिए लाया क्योंकि क्या है कि भाई लोग अब भी थोड़ा कंफ्यूज है, जो नया वाला एलिफ रेड वेजिटा है जो ग्रेटिव वाला, और ये वाला जो वेजिटा आया है इसके ऊपर थोड़े से लोग कन्फ्यूज हैं कि पहले तो अब तो वो बैनर निकल गया, लेकिन वो शायद ब्लैक फ्राइडे में ज़रूर आएगा खुशी से, सो या देखते हैं क्या होता है। ओके पहला मैच सॉरी दूसरा मैच हो चुका स्टार्ट एंड यहाँ पर मैं कर गया परफेक्ट मैनेज, अब मैं जाऊँगा इस कार्ड में क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ब्रॉली के साथ जाएगा और स्ट्राइक कवर चेंज। ओके वो क्या ओके थोड़ा समझदारी इसने करी कि ओके बहुत ही बढ़िया करा, थोड़ा नर्वस हो गया ये बट डैमेज दे होगा। ओके मैंने कॉम्बो ड्रॉप किया था भाई साहब, ये एकदम काफ़ी बढ़िया है। ग्रीन यूनिट को भी देखो, ग्रीन यूनिट को देखो कितना ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करना है। ओके तो मैं यहाँ फंस गया, मैं वेट हो गया एक्चुअली यहाँ पर, बट ठीक है और मैं जाऊँगा वीडियो के साथ, क्योंकि आप हम और डैमेज नहीं ले सकते। और राइट यहाँ पर ओके मैं जाऊँगा मेन एबिलिटी, ओके टैप्स, ओके टैप्स है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे वन शॉट ही कर दूँ, क्योंकि ये इतना पावरफुल तो है कि ये किसी भी पर्पल नेट को वन शॉट कर दो। ओके सो ही इज डेड, आई नो ही इज डेड, ये एकदम गारंटी किल होने वाला है क्योंकि यार इतना ज़्यादा बफ मिल चुके हैं इस वेजिटा को, सो या ओके बहुत ही बढ़िया था। हाँ ओके बहुत ही बढ़िया वेट किया इसने, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, हम थोड़ा सा डैमेज लेंगे लेकिन यार और ज़्यादा नहीं ले सकता वरना रश आ जाएगा, नहीं आया, आएगा नहीं आया, बड़ा अजीब है। ओके इंटरेस्टिंग कम ऑन, ऑलराइट अब मैंने अपना लगा दिया रश एंड ब्रॉली हो जाएगा साइड डाउन, क्योंकि मैं हैरान हुआ उसने बॉड ऑफ नहीं लाया, ये थोड़ा अजीब हुआ बट ठीक है। और बीरस और बीरस एंड गोकू और वेजिटा भाई साहब मुझे बहुत सही लगता है एंड ऑलराइट ओके वेट बहुत अच्छा किया इसने, बहुत ही अच्छा करा। ओके बहुत ही बढ़िया यार इसने दिमाग लगाया है, क्योंकि बारडॉक को मतलब जो बीरस था मेरा वाला बीरस तो उसको हटाने के लिए इसने रश रखा था, बचा के रखा था एकदम सही, बट सॉरी ब्रो वाला काज खराब है। ओके बड़ा तेज है ये गाइस, ये काफ़ी ज़रा वो है बहुत ही ज़रा तेज़ बंदा है एंड नहीं ये किल नहीं हुआ, किल होता तो बढ़िया रहता एंड में जाऊंगा इसके साथ और इसका खेल ख़त्म, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया गाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया थी। गाइज क्या है कि अभी हमने वेजिटा का पोटेंशियल देख लिया है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट इसे जो बफ्स मिले हैं वो एक्चुअली इसे थोड़े से बफ्स भी मिल हमने दिए, सुपर सिंपली गोकू जो जेंकाई वाला है वो एक्चुअली ये बफ्स करता है प्रोवाइड। सो चलिए गाइस बिना किसी देर के चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, मैं बाद में आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेट्स गो। गाइस लास्ट मैच है वीडियो का और भाई साहब गॉड की टीम
ठीक है, बहुत ही बढ़िया टीम है। और भाई साहब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो के 8 स्टार्स, बहुत सही है इसके कितने। और बाप रे सुपर सैम रेवोल्यूशन वेजिटा के पूरे 5 स्टार्स, भाई साहब बहुत ही अच्छा सेटअप इसने करा है अपनी टीम का, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इक्विपमेंट्स में अगर थोड़ा सा और ध्यान देना तो बहुत बढ़िया होगा। वेल एनी वेज आई नो वट इज़ गन चूज, सो आई गो दिस दिस एंड दिस। और राइट जमासू के सामने जाऊँगा क्योंकि नलीफाई वो करता है, अगर मैं लकी हुआ तो मैं ओके इंटरेस्टिंग, यहाँ कोई ब्लू यूनिट नहीं आया है सो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड यह पीरियस के लिए थोड़ा सा खतरा है क्योंकि यू आई गोकू है उसके पास, तो मुझे साथ ध्यान रखना पड़ेगा, वो 9 स्टार पर है। ओके सो टैकल आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा नहीं आया। ओके मैं यहाँ परफेक्ट मैनेज लेने में कामयाब रहा। एक मिनट में अभी अब मैं ड्रॉप करूँगा कॉम्बो, बहुत ही अच्छा मैंने ड्रॉप किया। लेट्स गो वेजिटा, हमें मिल गया एक और कार्ड, भाई साहब बहुत सही है, अच्छा स्टार्ट हुआ है। मैं ओके अब मैंने गेम मेरे हाथ आ चुकी है एंड मुझे मिल गया एक और कार्ड। भाई साहब वेजिटा का डैमेज देखो, कोई बफ मिलने के बावजूद भी, मतलब जिंका बफ मिलने के बावजूद भी इतना अच्छा डैमेज दे पा रहा है। ओके मैं टैप जाऊंगा, टैप टैप टैप। ओके ऑल राइट, मैंने रश यहाँ कर दिया क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा घबरा गया था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सही हुआ डेड होगा, नहीं डेड, ओके थोड़ा स्मार्टली तरीके से ने खेला क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास ब्लू कार्ड है। ओ भाई साहब, भाई अच्छे से पकड़ा क्यों मुझे, ओ भाई साहब, भाई साहब कितना। मैं जाऊंगा सीधा अपने अल्ट के साथ क्योंकि वो जाएगा सुपर सिम्बल रेवोल्यूशन वेजिटा के साथ। एक मिनट ये क्या हुआ, अभी अभी तो स्विच हुआ था, नहीं हुआ। ओके यार मेरा अल्ट वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बट अब वो नो स्विच कर सकता है, नहीं कर सकता स्विच कुछ देर के लिए। आई थिंक 5 टाइमर काउंट्स, आई थिंक सो। ओ नो मेरे सारे कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिए, अरे बाप रे। ओके तो मेरे सारे कार्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड मैं जाऊंगा इसके साथ, आई थिंक सो ब्लास्ट कार्ड, या ब्लास्ट कार्ड, लेट्स गो। मेरे पास यहाँ पे बस एक कार्ड है और एक कार्ड ही काफ़ी है इसे नॉक डाउन करने के लिए। ऑलराइट मैंने बहुत ही अच्छा कॉम्बो ड्रॉप किया, और प्लीज़ वन मोर कार्ड दे दे यार, नहीं दिया कोई बात नहीं। ओके कोई भी मतलब इसने टैकल वैकल कुछ नहीं किया अभी तो। ऑलराइट मैंने पकड़ लिया इसे यहाँ पर, हो सकता है अब ये किल हो, आई डोंट नो गाइस, लेट्स सी। किल है, हाँ किल है, ओके बहुत बढ़िया हुआ। एंड मैं टैप से इसको ख़त्म नहीं कर पाऊँगा बट मैं कोशिश करता हूँ ये लेजेंडरी फिनिश करने की। यहाँ पर इसने अभी तक अपना जो है अल्टी यूज़ नहीं किया, अपना अल्टीमेट यूज़ नहीं करा है। एक मिनट, ओ नो ये बॉट बन गया, अरे बॉट बन गया तो कोई सेंस नहीं बनता फिर। वेट ये बॉट बना या सच में, शायद बॉट नहीं है है क्या, आई डोंट नो गाइस बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक ये कोई किल होगा, शायद एक किल है, आई थिंक सो। ओ माय गॉड ये सच में किल है यार, मतलब क्या बॉट है, बॉट ही है गाइस बट ये। अरे यार कार्ड दे देता, लेजेंडरी फिनिश के चक्कर में ऐसा हुआ है, बाप रे। ओ ये क्या हुआ, क्या क्लैश हुआ है, ओ नो भाई ये बहुत ही ज़रा मुसीबत आ गई है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो भाई ये मैच तो ख़त्म हो गई, मैच के लास्ट में ही ये बंदा बॉट बन गया सो ठीक है। बहुत ही अच्छी मैच थी एंड ये सुपर सिम्बल रेवोल्यूशन वेजिटा बहुत ही बढ़िया यूनिट है, और कंपेयर करा जाए एलएफ वेजिटा ग्रेटर वेजिटा एक्चुअली तो वो वाला जो वेजिटा है वो भी अच्छा है, लेकिन वो रेड एलिमेंट है
सो यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ, इस गोकू, ये वाला जो गोकू है, ये गोकू जो ये गोकू है, इसके स्टैट्स तो अच्छे, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अरे इसकी कोई एबिलिटी मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं थी। हाँ ये रुको गाइस, नहीं मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो गाइस, जब ये जो वाला ये जो गोकू है, जब ये गोकू बैटल फील्ड में आता है, तो ये बैटल फील्ड में एक्चुअली जब ये बैटल फील्ड में आता है, जब ब्लास्ट अटैक और स्ट्राइक अटैक यूज़ करता है, तो ये खुद को ही मतलब बफ इसे मिलेंगे अच्छे खासे, लेकिन ये अपने एलाइज को भी बफ देगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ये अपने एलाइज को भी बफ देगा और खुद भी इसे एक अच्छे इन्फ्लेक्टेड डैमेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, और एलाइज को भी इन्फ्लेक्टेड डैमेज देगा। तो इसलिए गाइस ये जो वेजिटा है, ये वाला बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाया आज। सो या ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यूनिट है, मैं तो कहूँगा समन करो, बट अब कैसे करोगे, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली आप जानते हो वो ख़त्म हो चुका है, बैनर बैनर अब जा चुका है, लेकिन अब ये वापस ज़रूर आएगा। सो या आप इस पर समन ज़रूर करना, क्योंकि यार अगर आप गॉड की टीम या फिर यूनिवर्स सर्वाइवल टीम यूज़ कर रहे हो, तो यार मैं पक्का कह रहा हूँ इसको यूज़ करो, क्योंकि ये यूनिट आपकी टीम को और ज़्यादा बेहतर कर देगा, और आप की टीम मतलब बहुत ही बढ़िया टीम हो जाएगी। सो भाई से ज़रूर इसको यूज़ करो, ठीक है गाइस। तो यह आज के लिए बस इतना ही था, और हाँ अगर जिन जिन लोगों अब भी ये सुपर सिंपल एवोल्यूशन वेजिटा है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे यूनिवर्स सर्वाइवल टीम में भी डालो, और अगर 3 स्टार हो चुके तो ये तो मतलब एक तरह से मॉन्स्टर है, एक सच में इसके भाई बिल्कुल भी एक इन्फिनाइट की है, मैं बहुत हैरान हो गया भाई, मतलब कि इन्फिनाइट की है इसके पास, ठीक है। सो या मिलते हैं फिर ऐसी और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अभी अरे इंट्रोडक्शन तो मुझे अपना गुड बाय इंट्रोडक्शन तो देने दो। सो हाँ वीडियो बस आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर भी क्लिक करो, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड या मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आगे आने वाली वीडियोस में मुझे किन 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 लोगों का शोकेस करना चाहिए, किन किन यूनिट्स का, सो मुझे बताओ। ओके तो मिलते हैं फिर ऐसी और जबरदस्त वीडियो, गुड बाय एंड एज ऑलवेज। सो ये गाइज मैं मिलता हूँ फिर आपसे और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, सी यू लेटर, तब तक के लिए फाइनल फ्लैश, सी यू लेटर।